नमस्कार, न्यूज एंड व्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन आप सभी के साथ। अभी हम बनारस के अस्सी घाट पे हैं और ये बनारस से वही मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है जहां से उन्होंने सांसद की जीती है। और ये बनारस के लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने एक सांसद ही नहीं एक प्रधानमंत्री को भी चुना है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम PMO ऑफिस गए और बनारस के कई जगहों पे जाके लोगों का जानना चाहा कि किस प्रकार के हर्ष उल्लास उनके अंदर है और उनके कार्यकर्ताओं में क्या कैसी जोश है। इस पर हमने एक रिपोर्ट पेश की है, आइए चलते हैं वीडियो पे। ये प्रचंड बहुमत जीत हमारी एक एक जनता की जीत हुई है। माननीय मोदी जी के अकेले की जीत नहीं है, एक एक कार्यकर्ताओं की जनता की जीत हुई है, पूरे हिंदुस्तानियों की जीत हुई है। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। बस हमारे देश की सबसे बड़ी जीत है जिसमें हम लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोग खुशी का उत्सव मना रहे हैं और मोदी जी की जीत के साथ साथ हम लोग आज इसको उत्सव के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि हर बार हमारे मोदी जी के सांसद आए, हमारे लिए हम लोग रहे और हम लोग उनसे बहुत खुश हैं। हम लोग उन्हीं को चाहते हैं और हम लोग को मिले नहीं। हम मधुलिका सिंह है। खुशी कहने की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में मोदी 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 का नारा ही लगा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये जनता की वास्तविक जीत है जिसमें हम सफल हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी बनारस की जो भागीदारी है, आधी आबादी की जो भागीदारी आप देख रहे हैं हर चीज में, वो सबसे आगे ऊंचा चल के ऊपर सबसे नारा लगा रहा है कि अगर बनारस में किसी को रहना है तो आधी आबादी को साथ लेके चलना है। तभी मोदी जी भी आज आगे बढ़े हैं। और ये आप देख सकते थे बनारस की जनता की जुलूस है। थैंक यू। मैं पवन गुप्ता, कैमरामैन आकाश पट के साथ न्यूज एंड व्यूज।